हेलो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज सरबप्रीत कौर एंड यू वेलकम टू स्टडी विद सरब। आज हम करेंगे अगला टॉपिक मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, और ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हमने सिर्फ डोमेस्टिक सर्किट देखना है। डोमेस्टिक सर्किट में जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है और वायरिंग की जाती है, उसके बारे में वो कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होती हैं। तो बेसिकली हमारे घर के, ये हमारे घर का मीटर है, यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। घर में मीटर है, मीटर से पहले एक मेन फ्यूज रहता है। उस मेन फ्यूज में लाइव वायर आएगी और उसके साथ के साथ एक न्यूट्रल वायर आ रही होती है। ये रही लाइव वायर। लाइव वायर में मेन फ्यूज लगेगा। मेन फ्यूज की जो वायर है और ये जो एक एन लिखी है, ये न्यूट्रल वायर है, ये लाइव वायर है, ये दोनों आगे मीटर में आएंगी। मीटर के बाद ये दोनों मेन स्विच में जाएंगी। मेन स्विच इसलिए होता है ताकि जब भी हमें अपने पूरे घर की सप्लाई ऑफ करनी है तो हम उसको ऑफ कर सकें। और उसके बाद हमारे घर की जो मेन स्विच के बाद आपने देखा होगा, दो एक छोटा सा बॉक्स लगा रहता है जिसमें फ्यूज जैसे होते हैं, जिनको हम बाहर निकाल भी सकते होते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंज्यूमर फ्यूज रहेगा। कंज्यूमर फ्यूज भी दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। एक 5 एम्पियर का रहता है, एक 15 एम्पियर का। 5 एम्पियर का हमारे लो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, जैसे कि फैंस हैं, बल्ब्स हैं, उनके लिए। और जो 15 एम्पियर वाला है वो पावर फ्यूज रहता है, मींस गीजर हैं आपके, कूलर्स हैं आपके, एसी और रेफ्रिजरेटर, उन सब की सप्लाई के लिए। तो यहाँ से जाएगी वायर और ये जो न्यूट्रल वायर है ये आगे कनेक्ट होती रहेगी। इसमें फ्यूज नहीं लगेगा, फ्यूज लगेगा लाइव वायर में, ठीक है, दोनों टाइम पे, मेन फ्यूज भी कंज्यूमर फ्यूज भी। अब यहाँ से दोनों को अलग अलग वायरिंग जाएगी और ये हमारे, अगर दो हमारे दो अलग रूम्स में बल्ब हैं तो वो दोनों पैरेलल में कनेक्ट होंगे, मतलब इससे भी एक जॉइंट जाएगा और यहाँ से, और आगे फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में रहेंगे। दीज आर नॉट इन सीरीज। और इससे पहले कि मैं इसको और इलेबोरेट करूं, हम देखते हैं कि एक थर्ड में डॉटेड लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे सारी जगह, दिस इज कॉल्ड अर्थ वायर। इसको अर्थिंग के लिए यूज़ किया जाता है, या तो ये लोगों के घर के बाहर रखा जाता है, मीन्स ये जो अर्थिंग करी जाती है नीचे अर्थ के अंडर, या तो ये घर के बाहर होगी या फिर सब स्टेशन पे होती है। सब स्टेशन पे अर्थिंग करके वहाँ से एक वायर साथ के साथ आती रहती है जो कि हमारे इनसाइड हाउस सप्लाई में रहती है। लाइव वायर जैसा आप देख रहे हैं रेड कलर में दिखेगी, न्यूट्रल वायर ब्लैक कलर में, और ये जो अर्थ वायर है दिस इज इन ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर की वायर रहती है। दिस इज जस्ट टू प्रिवेंट द शॉक्स एंड ऑल दैट, ताकि वो ज़्यादातर करंट वगैरह ना हो। अब जो हमारे रूम्स में सप्लाई रहेगी दैट इज़ इन पैरेलल, और पैरेलल इसीलिए ताकि उनकी जो वोल्टेज है वो सबको इक्वल जाती रहे और उनमें जो करंट है वो इक्वली आता रहे। अब जब ये पैरेलल में है तो जो हमारे दो फैंस हैं या दो बल्ब्स हैं उनकी जो स्ट्रेंथ रहेगी, करंट की जो स्ट्रेंथ रहेगी वो सेम रहेगी, और जो उनका ग्लो रहेगा वो भी सेम रहेगा, तो ये सेम सेम करंट ही ड्रॉ करेंगे। So that's all about the domestic circuit. Domestic circuit में I think आपको fuse पे एक question बनता होता है कि जो हमारा electric fuse है उसका जो melting point रहता है वो कितना होना चाहिए, वो बाकी के comparative जो हमारे circuit की wires हैं उनके हिसाब से कम होना चाहिए। जो इसमें हम वायर यूज़ करेंगे उसका melting point कम होना चाहिए ताकि कभी भी जब overload हो, ज़्यादा current आ जाए तो ये अपने आप melt हो जाए, melt हो के यहाँ से ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा और आगे का सर्किट कंप्लीट नहीं होगा, जिसकी वजह से आपके जो अप्लायंसेस हैं वो ख़राब नहीं होंगे। सो दैट्स ऑल इन डोमेस्टिक सर्किट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल द वीडियोज एंड स्टे ट्यून्ड विद मी। प्लीज़ हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन हैव अपडेट्स अबाउट ऑल द न्यू वीडियोज़। थैंक यू सो मच।